तो दिनेश जी, आप बहुत जिम्मेदारी से और रात रात भर जाग के हमारी सुरक्षा करते हैं केंद्रीय विहार में। तो दिनेश जी, आपको जैसे पता होगा कि आजकल एक राहुल गांधी ने ये बोला है कि चौकीदार चोर हैं, कि चौकी चौकीदार नहीं, चोर हैं। तो इस पे आप क्या अपना मत रखते हैं? जैसे आप ये अपना तो सरासर जो है मोदी जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आज तक 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, आज तक ऐसा न कोई प्रधानमंत्री बना है, न दूसरा भविष्य में कोई बनेगा। मोदी जी के सामने दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है जाए, और उनको आरोप लगाने के सिवा और कुछ आता ही नहीं है। उसने आज जो भी कुछ राजनीतिक सीखे हैं वो सिर्फ आरोप लगाना ही जानते हैं। आरोप लगाने के सिवा उनके पास और कोई जवाब ही नहीं है, कोई चारा ही नहीं है। और आज तक न कोई जितने भी ऑप्शन उठाया है मोदी जी ने, बहुत अच्छा ऑप्शन उठाया, आज तक न कोई ऐसा प्रधानमंत्री उठाया था और न कोई उठाएगा जाए। और इनको यदि कोई सपोर्ट नहीं करता है तो दोबारा हिंदुस्तान का विकास होने वाला नहीं है। सारे चोर बाजार बने हुए हैं और दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, नहीं दिनेश जी, ये पूछना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए आप अपनी जितनी भी आपका जो कार्य है उसका निर्वहन बहुत जिम्मेदारी से करते हैं। जैसे एक चौकीदार का काम होता है, सुरक्षा पूरा देता है हमारी सोसाइटी को। अगर इस चौकीदार को ही अगर कोई चोर बोल देता है तो उसको वो कैसा महसूस करेंगे? उसको खुद आप अपने आप को आत्मग्लानि महसूस होगी। वो कहेगा, वो सोचेगा कि हमने अच्छे ढंग से निर्वाह करने के बावजूद भी हमारे ऊपर कीचड़ उछाला गया। लेकिन भाई सबूत तो पेश करो, हमें तो प्रूफ दो कि हाँ हमने चोरी कहाँ की है और किस बात की चोरी की है। बगैर प्रूफ का, बिना सबूत दिए हुए कोई किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकता। ये सरासर मानवता की हानि है, मानवता के नाम पे एक धब्बा है। तो इससे पीड़ा होती है, हाँ कोई किसी भी चौकीदार को पीड़ा होगी? ये तो पीड़ा होगी होगी। जब हमें इतनी पीड़ा महसूस हो रही है तो मोदी जी कितनी पीड़ा महसूस हो रही होगी।